मज़ा स्टार्ट अगर बात करें कि अर्ली ऑन जो हम टॉस जीते थे और थोड़ा विकेट में मौसर था, तो उसको हमने काफ़ी यूटिलाइज़ किया। बॉलर ने अच्छी जगह पे बॉल किए, गुड लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमें विकटें मिली और उन विकटों की वजह से उनके ऊपर हम थोड़ा सा हावी रहे। और जैसे जैसे हम मैच आगे जाता रहा, एक पार्टनरशिप लगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ बॉलर को, के बॉलरों ने वहाँ उनको भी स्ट्रिक किया और इतने खुले रन्स नहीं खाए। और बिल्कुल मिस्टेक थी एंड ऑफ एंड ऑफ एंड के ओवरों में, जो हमें थोड़ा सा और इनको मिनिमम टोटल में हमें इनको स्ट्रिक करना चाहिए था। काफ़ी इंजॉय किया मैंने 100, और कोशिश यही थी कि हम जितना इस पार्टनरशिप को लंबा लेके जाएंगे, जितना हम इसको ग्रैब करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। और यही था कि कहीं पे अपना फोकस लूज़ ना करें और जितनी पार्टनरशिप लेके जाएं उसको लंबा, उतना हमारे लिए अच्छा है कि हम इसको फिनिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हुआ 100 के बाद, फिर इमाम आउट हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा बैक टू बैक विकटें गिरी, जो जिस पे थोड़ा सा हमारे पे प्रेशर आया। लेकिन उसके बाद जो रज़ी और शादाब की पार्टनरशिप लगी, वो आउटस्टैंडिंग रही, वो गेम में वापस लाई, तो बिल्कुल इस जीत से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। और कोशिश यही करूँगा कि जो मेरी फॉर्म लगी हुई है उसको नेक्स्ट मैच में लेके जाऊँ। देखें, जब आप जीते हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो दोनों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। और कोशिश यही करूँगा कि जो मिस्टेक्स हैं उस पर ज़्यादा बात की जाए और उनको बोला जाए कि यार यहाँ पे अगर हम ये कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इस चीज़ के पे हम काफ़ी फोकस करेंगे और नेक्स्ट मैच में वो मिस्टेक ना करें।